थैंक यू इस्तान, तुमने मेरी सोच बदल दी। मैं वाकई सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, हालांकि पापा भी तो मेरी जिम्मेदारी। अमल एक बात हमेशा याद रखना, अगर हमने खुश रहना है ना तो हमने सबसे पहले अपने को खुश रखना। वही तो, इतनी सी बात थी कि मुझे समझ नहीं आई। वैसे शम्मा आंटी इतनी बुरी नहीं है। अच्छा, यानी कि थोड़ा सा जेलसी का फैक्टर भी है बाकी, वरना तुम कहती कि वो तो बहुत अच्छी है, जो कि वो है। है, लेकिन जेलसी तो नेचुरल है ना थोड़ी सी। और मेरे पापा के साथ कोई हो तो मैं इनसिक्योर होंगी ना। अमल प्लीज, उनको अपनी जिंदगी जीने दो यार, तो बस हमारी लाइफ के बारे में फिक्र कर। आज से तुम्हारी सिक्योरिटीज इनसिक्योरिटीज सब सिर्फ मुझसे वापस था। हाँ ये तो है। अच्छा सुनो, इंशाल्लाह सबके जोड़े बनने वाले हैं सिवाय निगू फूफो के। तुम्हारे सर्कल में या जानने वाले में कोई है ग्रेसफुल पक्की उम्र का लड़का जो निगू फूफो के साथ हो और सुनता भी ज्यादा? प्लीज प्लीज बड़े हो जाओ यार, हम इधर अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं। हमने कोई दफ्तर नहीं खोलना शादी में। लेकिन अजलान, निक्को पप्पो के भी तो कोई अरमान है बेचारी। हाँ, सारा दिन घर के काम करती है बेचारी, सुन भी नहीं सकती थी। उफ अमल, निक्को पप्पो ना आज भी अपने मरहूम हैंडसम हस्बैंड के इश्क में गिरफ्तार। तुम उनसे ये बात करोगे ना तुम्हारे सर पे डंडे मारेंगे। अच्छा अमल, मैं बताऊं, ये सोच रहा था कि हमने फैमिली की तो बहुत सारी बातें कर ली, थोड़ी अपनी बातें कर ले। हाँ ना करते हैं। मैं सोच रही थी कि ताबी बेचारा, उसकी ना हमेशा से उसकी किस्मत बड़ी खराब रही है। ओ यार बस करो अमल, ये देखो यार, ये देखो। जाओ, मैं बात नहीं करता। ऑफिस है या डरबा? डरबा बस आपकी कमी थी, अब आप आ गए तो पूरी हो जाएगी। बैठे बैठे बैठे। चूहों के साथ बब्बर शेर नहीं रहा करते। नो प्रॉब्लम, मुझे वैसे चूहों के साथ रहने में कोई मसला नहीं है। अब बड़ी जुगत है मार रहा है, लगता है जानता नहीं है मुझे। और मुझे गुस्सा आ गया ना तो तेरी सारी जुगते नक के रास्ते निकाल लेनी मैंने। ये बताएं आप आए क्यों? एक कार चाहिए। कार भी क्या, एक बड़ा सा बंगला चाहिए, मेरे स्टैंडर्ड की जरा शाया नशाया। अब आप चाय पियेंगे? हाँ जरूर पियेंगे, और साथ में मुझे इजहार उर्फ इजहारे लोबड़ का एड्रेस नहीं चाहिए। ओ जी देखे, ये कौन इजहार है, किसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं? मुझे नहीं पता, मेरे कोई फूफी का बेटा तो है नहीं इजहार जो इसका मैं बताऊं आपको। और मैंने कहा मुझे इजहार लोमड़ का एड्रेस चाहिए तो फिर चाहिए। मैं एक काम करता हूं, आपको एक एड्रेस देता हूं, आप सीधे वहां चले जाएं। यहां करीब एक चिड़ियाघर है, वहां बहुत सारे लोमड़ हैं, उनमें देखें कोई जान पहचान का लोमड़ आपको मिल ही जाएगा अपना। लगता है तेरी अकल मोटी है, उसमें मेरी बात घुसी नहीं। कोई मसला नहीं, दूजा इलाज है मेरे पास। दूजा इलाज? वो क्या जी? बताता हूँ, बात ऐसे है डीदर साहब के, अब मुझे इस हारे को एड्रेस चाहिए तो फिर चाहिए। बोल, अरे बोलता क्यों नहीं है? एक बड़ा सा बंगला और इस हारे लोमड़ का एड्रेस दोनों पैक करके भेजने हैं। आज तबीयत ठीक नहीं थी, वरना मैं भी अपने इलाके का पहलवान हूँ, हमसे कोई ऐसा एड्रेस थोड़ी निकलवा सकता है। ओ हाय, नहीं मैंने तो अजलान ते बड़ा ही तरस आ रही है, हुन कौन करेगा उहदे नाल शादी?
जी मम्मी जी, अब ना मेरा ध्यान उस तरफ से हट गया है, मेरी मोहब्बत भी ना उसकी टांग की तरह कट गई है। मम्मी जी मुझे लगता है कि अब तो कोई लड़की उससे शादी नहीं करेगी। अच्छा प्यो नाल ते गल करा, मैं पूछा ओदे कोलो की होया है। ये ले डैडी जी से बात करें। हां करमा वाली कैसी है, अब बस सारी बातें छट, तू ऐसे कर तैयारी कर और इधर घर आ जा। और मैंने तेरे लिए यहां एक महल खरीदा है, पहले मैं सोचा था तेरे लिए ताजमहल खरीदूं, फिर सोचा उसके लिए तो तुझे मरना पड़ेगा, इसलिए सादा महल खरीदा। नहीं नहीं, और ये जो यहाँ के होटल ना माचिस की डिब्बी जैसे, ये समझ में ही नहीं आ रहे मेरे, बस जल्दी से आ जा। मैं ते आ जावांगी, मैनू ए दसो अजलान दा की बनया, उन्हू की होया है? हाँ ये आपने क्या कह दिया कि अजलान की शादी नहीं हो सकती? क्यों, आपको कोई मौजी मर्ज है, आप मरने वाली है क्या? ज्यादा बकवास करने की ना जरूरत नहीं है, आप जानते नहीं है मैं क्या चीज हूँ। जानते हैं। अजलान तो कह रहा था कि आप बहुत बड़ी आफत, मतलब मंगेतर जो बचपन से उसके गले में डली हुई। आफत तो वो अब खुद बन गया है, मैं पागल हूँ उससे शादी करूंगी अब। आप पुत्री, एक तकरीबन नामाकूल सा इंसान ना यहाँ भी खड़ा हुआ है, जिसको लोग तेरे बाप के हवाले से जानते हैं, उससे भी कोई मशवरा कर ले, सारे फैसले अपने आप ही करने हैं। डैडी जी मुझे लगता है कि आपको ना अपने भांजे अजलान की फिक्र है, मेरी तो फिक्र है ही नहीं, ऐसा महसूस होता है जैसे मैं सौतेली हूँ। पुत्री बहुत ही अफसोस की बात है पहलवान जी। हाँ ना, देखे ना, इतनी मासूम और फूल जैसी बच्ची को उस आवारा के हवाले करेंगे। और छोटे से माली, ये अपनी बागबानी ना कहीं और जाके करना, एक लंगड़ा सा बंदा है, एक टांग पे कितनी कवारी गर्दी कर लेगा। हाँ। ये भी है। मैं तो वेट कर रही हूँ मम्मी जी आएंगी, वो ऐसा जुल्म नहीं होने देंगी मेरे साथ कभी भी। पता क्या, हम तो आपको सिर्फ मशवरा ही दे सकते। देखिए आप तो हमारे अपने, अभी भी आपकी फैमिली में अगर कोई उम्मीदवार बचा हुआ है ना, तो उसको जो है आप अभी हाँ करें और जवाब लेके ना खुश कर दें। बाहर निकल। नहीं नहीं, बहुत अच्छा मशवरा है, एहसान का एहसान रहेगा और प्यारी सी बच्ची को लंगड़ी पाला भी नहीं खेलना पड़ेगा। और तुम दोनों यहाँ मेरी ती को वरगलाने के लिए आए हो? और पुत्री तूने फिकर नहीं करनी, और तू तो बचपन में इतना अच्छा लंगड़ी पाला खेलती थी, अब भी खेल लेना है? चलो हम तो समझाने आए थे, चलो चलते। एक मिनट जी, जा कहाँ रहे हो? मैंने अजलान को बुलाया था, तुम पता नहीं कहाँ से आ गए। चलो मुझे अजलान के पास लेके चलो। नहीं नहीं नहीं, वहाँ जा नहीं सकते ना, क्योंकि अजलान तो खुद अब तक हॉस्पिटल पहुंच गया होगा, हम हॉस्पिटल भी जाते हैं। भाई कौन से हॉस्पिटल, और नाम तो बता के जाओ हॉस्पिटल का। पता नहीं मेरा पुत्र क्या सोच रहा होगा कि उसके प्यारे मामू ने उसकी खबर ही नहीं ली। डैडी जी मैं तो बाहर जा रही हूँ। आनी आनी, वक्त नहीं है मेरे पास। अरे अब तो मामू भी शहर में आ चुके हैं, और इससे पहले कि मेरा भांडा फूट जाए आप प्लीज अमल के घर जाए और मेरा रिश्ता डाल दें। अरे ठीक तो कह रहा है अजलान। देखो ना, जो कुछ हमारे साथ हुआ, मैंने चाहता कि अमल और अजलान के साथ थे। और क्या, अमल और अजलान की खुशी के लिए हमें कुछ भी करना होगा, कुछ भी। कुछ भी तो कर लेंगे, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में बार बार खदशा हो रहा है कि अगर मैं वहां गई तो पहचानी जाऊंगी। इसरा, माजी में जो कुछ हुआ उसका खौफ अभी तक तुम्हारे दिलो दिमाग में सवार है। क्यों? देखो ऐसा, तुम्हें हिम्मत करनी होगी, प्लीज हिम्मत करो। मिठाई खाओ भाई, मिठाई खाओ। अभी तो आने गए नहीं रिश्ता लेके, तुम लोग क्यों खुश हो रहे हो? अरे ये रिश्ता जोड़ने का नहीं, रिश्ता टूटने की मिठाई है। क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि हम तुम्हारे नफीस मामू और उनकी बेटी से मिलकर आ रहे हैं। हाँ, और अपने आंखों से अपने कानों से हमने सुना है कि तुम्हारी कजन ने तुमसे रिश्ता जोड़ने से इनकार कर दिया है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अरे इधर हम रिश्ते की बात ही कर रहे थे कि उधर हनी ने इनकार कर दिया। एक और रुकावट दूर होगी भाई, मिठाई बनती है, पक्की बनती है, अच्छा शुकन है, मिठाई खोलो। अरे हनी से ज्यादा मसला मामू की इज्जत का है। बिल्कुल ठीक कह रहा है इस्लाम भाई जी, ना बहुत ही अड़ियल तबीयत का है। अरे यानी आप फिक्र न करें, अड़ियल घोड़ों को लगाम देना, हमें बाखूबी आता है भाई। हाँ, तुम तैयारी पकड़ो मिलने की, क्योंकि मैं तुमसे मिलने आ रही है यहाँ पर। मैं उनको इस सोसाइटी में बुलाने का रिस्क हरगिज़ नहीं लूंगा। तो फिर हमें हॉस्पिटल का एक रूम बुक करना पड़ेगा। तो ठीक है, जाओ
भाई देखो आशिकों को इतनी कुर्बानी तो देना पड़ती है ना, रिश्ता लेना पड़ता है। चलो भाई चलो चलो आ जाओ। मुबारक हो, रिश्ता टूट गया तुम्हारा। पानी अमल के घर जाओ ना। इसरा अमल और अजलान के खातिर हिम्मत करनी होगी, करो प्लीज। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। शेर बाद में सुनाऊंगा, बाद में सुनाऊंगा। इन दोनों में से ज्यादा कौन सी चीज मजे की है, शवरमा या गोलगप्पे? आपके दोनों ट्राई करें ना। असल में ना मैं लाहौर से हूँ तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या ऑर्डर करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा। तो आप मेहमान है तो प्लीज ज्वाइन करें, प्लीज बैठिए ना, शेयर करें मेरे साथ। मेरा मतलब ये नहीं था। प्लीज ज्वाइन कर ले मुझे, शेयर कर ले थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, मजे का तो लग रहा है तो मैं थोड़ा सा ट्राई करूं। जी जी। गोलगप्पे पहले इस तरह मैं ट्राई करूं, आप ही ट्राई करें ना सादा। जी जी। बाय द वे मेरा नाम मेहताब है, प्यार से मुझे सब ताबी कहते हैं। और मेरा नाम हनी है, प्यार से गुस्से से सब मुझे हनी कहते हैं। हनी? ओ हनी से ना मुझे हनी भी याद आ गई। आपको पता जब मैं छोटा सा था ना, मेरे बचपन में हनी बी ने मेरी नोज पे काट लिया था, जिसकी वजह से मेरी नोज बिल्कुल फूल के ऐसे पकोड़े जैसी हो गई थी। ओह माय गॉड। आप कुछ और खाएंगी? मैं और... नहीं नहीं नहीं, मैंने ना मॉल में भी बहुत कुछ खाया, अभी मेरे पेट में और जगह नहीं, बस यही काफी है। बाय द वे मुझे शहर के ना सारे फूड पॉइंट्स पता है, फूड कोर्ट, फूड स्ट्रीट्स, ढाबे, अच्छे रेस्टोरेंट्स, छोटे रेस्टोरेंट्स, बड़े रेस्टोरेंट्स, सब पता है। अगर आपको कभी पूछना हो ना खाने के हवाले से तो आप जस्ट मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा। ओ आपका तो नंबर ही नहीं है मेरे पास। मैं गैर लड़कों से नंबर नहीं शेयर करती। अच्छा, और गैर लड़कों के साथ गोलगप्पे जरूर खा लेती है ना? मैं मजाक कर रही हूं, तो माइंड ही कर। नहीं नहीं नहीं। अच्छा ना, बैठे बैठे। जी जी। मेरा नंबर नोट करें। हनी विद कैपिटल H। तो आपके और कौन से शौक हैं? देखें वैसे तो मैं बहुत बिजी बंदा हूँ, काफी बिजी रहता हूँ, और काम काज की वजह से मैं तो भूल ही गया शौक क्या होते हैं। बस लगता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अच्छा जी। बहुत मजे की प्राइस है। जी खाना वाकई बहुत मजे का है। दिन से तुम्हारी बेटी के सब कदम हमारे घर में पड़े, हमारे घर का तो शिराजा ही बिखर गया। तुम्हारी औकात नहीं क्या कशांक के तुम मुझसे इस तरह से बात करो? अपना सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। आई एम सॉरी मिस्टर फैज, मैं आपको ये जॉब ऑफर नहीं कर सकता। जिंदगी में बेवफा लोग मिल जाए तो दिल के अंदर आतिशदान सा बन जाता है, फिर चाहे ना चाहे साख्ता बेसाख्ता अंदर ही अंदर कुछ सुलगता रहता है। अगर कभी वो लौट आया तो उसका लौटना समंदर की बेबस लहर जैसा होगा। अम्मी ने मुझे निकाला था। अम्मी? अम्मी ने कैसे? वो कैसे निकाल सकती है? तबीयत नहीं ठीक थी तो पार्लर क्यों गई? नहीं जाना चाहिए था ना? मैं खुद नहीं गई थी, अम्मी जबरदस्ती लेके गई थी मुझे। ताबी? हाँ
तुम ठीक हो ना? नहीं, तुम आजकल कोई अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हो। सीन रोने वाला चल रहा है, तुम मुस्कुरा रहे हो बिला वजह अकेले, क्या हुआ है? क्योंकि ताबी बहुत खुश है। ओह, इसका मतलब है तुमने उस पीने पकौड़ी लड़की से बात कर ली और उसने पॉजिटिव रिस्पांस भी दे दिया। एक्सक्यूज मी, ये भिन्नी पकौड़ी कौन? मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानता। मैं जिस लड़की को जानता हूँ ना, वो तो चांद से भी ज्यादा रोशन है। हाय माशाल्लाह। ताबी, ठीक हो ना तुम? क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, बुखार तो नहीं हो गया तुम्हें? नहीं अमल, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मैंने सोच लिया कि अब मोहब्बत करूंगा तो अपने बलबूते पे करूंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। वो मुझे ना असल में नींद आ रही है, कहते हैं कि अगर जल्दी सो जाए ना तो महबूब आपके ख्वाबों में भी आता है। गुड नाइट। या अल्लाह खैर, अब किससे दिल लगा बैठा है ये? ताबी, ताबी, ताबी। मेरे जैसी ईमानदार मेहनती सर्वेंट तो इस पूरी कॉलोनी में कोई नहीं है जी। तभी तो सारा मोहल्ला मेरी मिन्नतें करता है। लोग कहते हैं जितनी तनख्वाह लेनी है ले लो, बस हमारे घर काम करने पे राजी हो जाओ। वैसे आप लोग नए लगते हैं, पहले तो यहाँ अजलान साहब रहते थे, वो क्या चले गए? अब आप मालिक हैं इस बंगले के? जी, हम ही मालिक हैं इस बंगले के। आपको कोई एतराज? नहीं नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, बस जरा सी गलतफहमी हो गई थी। आप लोग अपने से लगे जैसे हमारी बिरादरी के हो। मतलब कि गरीब? क्या हो गया इतना चश्मा पहनने? है, तुम ऐसा करो कि कल से आ जाओ। कल से क्यों भाई? आज से ही? और नहीं तो क्या, घर में इतने बर्तन पड़े सब धो के जाना है? अच्छी तरह नहीं जी, मैं कल से काम पे आऊंगी, वैसे मुझे ना जरा शॉपिंग पे जाना है। ठीक है। नखरे देखे इसके तुमने? देख लो, हमें बरादरी से मिला रही है। क्या बोला उसने, गरीब? बताओ, मुंह फट घराने की लगती है ये हमें। भाई जी की कॉल है, खामोश रहना ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तू सुना कैसी है? और मुल्तान जाके वापसी का रास्ता ही भूल गई है? नहीं नहीं भाई जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बस जल्दी से आ रही हूँ वापस। हाँ, मैंने तुझे यही बताने के लिए फोन किया था कि अब तुझे यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है, इधर कराची में मेरे पास आना है, मैं अपना घर खरीद रहा हूँ, मैं बस ये एक दो पकेड़े जो है ना वो निपटा लूँ, फिर इधर कराची में ही अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है। आप कैसे बखेरे भाई जी? पता नहीं तुझे पता भी है कि नहीं, अपने अजलान की टंग कटी गई है, दुश्मन की गोली ने अपने अजलान को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा और लंगड़ा कर दिया उसको। हाँ भाई जी, पता लगा था मुझे, लेकिन आप ना दुश्मन को लेके अपना दिल मजीद बुरा मत कीजिए। दुश्मन को भी कहाँ पता होगा कि ये गोली इतनी संगीन साबित होगी, उन्होंने तो सिर्फ डरावा दिया था, मेरा मतलब है डरावा दिया होगा। बहन मेरी है, और तू हमेशा से पोली है, कुछ समझती नहीं है, बस तू ऐसा कर जल्दी से आ जा मेरे पास है, और कराची की टिकट कटानी है, शाबाश। जी जी भाई जी, वैसे अजलान को लेके हनी तो बहुत उदास होगी ना, उसके तो सारे अरमान ही पानी में मिल गए, और पूरी जिंदगी एक माजूर के साथ कैसे गुजारा करेगी? हाँ ये भी एक मसला है, उसने तो सीधा इनकार कर दिया, कहती है एक टांग वाला दूल्हा नहीं चाहिए। बड़ा ही सही फैसला लिया है हनी ने भाई जी, अब आप हमारी बच्ची को ना बिल्कुल परेशान मत कीजिएगा और दबाव तो बिल्कुल मत डालिएगा, मैं तो कहती हूँ नवाब से कर दीजिए उसकी शादी, बहुत अच्छा लड़का है। और तू मशवरा तो ऐसे दे रही है जैसे मैंने तेरी मान लेनी है, और करनी तो मैंने अपनी है, तू बस चुपचाप जाना जितनी छेती हो सके, इधर कराची मेरे पास पहुँच, बाकी सारी बातें फिर यहाँ बैठ के करते हैं। खुदा हाफिज़। जी भाई अल्लाह हाफिज़। अल्लाह का शुक्र है हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। यस यस, अब जाके जो किचन में बर्तन है ना वो धोएं आप दोनों। चलिए चलिए, गल उठेगी उठे, आ जाओ। बेइज्जती? और कितनी देर से चरखे का ऑर्डर किया हुआ है, और भेज भी दो। हाँ, और वो रायता और सैलेड भी तरीके तरीके का है। हाँ, खुदा हाफिज़।
देख के चलो भाई क्या हो गया। ग्लास खोलो यार। माशाल्लाह भैया आज तो सारे एक साथ ही इकट्ठे बैठो। नहीं नहीं आए ना भाई जान बैठे। वो पापा हम दरअसल डिस्कस कर रहे थे कि खुपो अकेली पर कितना बोझ है, सारा दिन किसी ना किसी पर चिल्लाती रहती है। मतलब सारा दिन अकेले काम का बोझ उठाती रहती है। भाईजान मैं तो बस यही चाहती हूँ कि अब घर की मालकन आ जाए तो मैं सारी जिम्मेदारियां उसके सुपुर्द कर दूं। बजा फरमा रही है बाजी, कंफर्टेबल नहीं है लग रहे आप, कंफर्टेबल नहीं लग रहे, बैठे ना। तो जो निको कह रही है वो मैं भी कई सालों से तुम्हें कह रहा हूँ, मुझे तो तुमने कभी नहीं कहा कि सही कह रहे हैं आप, बजा फरमा रहे हैं आप भाईजान। मैंने तो कहा जो था ना, मैंने कहा भाईजान, मैंने कहा था आपको कि मैं आपके ऑफिस में आपको ज्वाइन कर लूँ, इसी बहाने आप लोग मुझे सीरियस लेंगे और मेरी शादी का भी सोचेंगे। चलो भाई, देर आए दुरुस्त आए, तुम्हें अपनी बेवकूफ़ी का एहसास तो हुआ, लेकिन अगर पहले एहसास कर लेते तो इतने साल ज़ाया तो ना होते, उस व्हील चेयर के साथ तो ना खेलते रहते तुम। मैसेज मैसेज आए। दिल को दिल से वाकई में राह होती है। I mean, मामू, मुझे भी अपने ऑफिस में एडजस्ट कर लेना, मैं भी जॉब करना चाहता हूँ। बेटा तुम्हारी सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी, हम सब जानते हैं कि तुम नए हैं। लो भाईजान, होगा वही जो वो चाहेंगे, जो वो चाहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह शम्मा, अस्सलाम वालेकुम। ओ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप, इतने मुस्कुराते हैं आप। आए बैठ भाईजान, इधर इधर आए बैठे ना, बैठे बैठे तशरीफ रखे। कहाँ थी आप इतने दिन? मैं घर थी। घर थी बाजी, किसी बेतकल्लुफ किस्म की चाय का वो चाय, पुरतकल्लुफ किस्म की चाय का एक वो बनाया ना समा सा कुछ। हाँ अब चलो हम एक लंबी चौड़ी पुरतकल्लुफ चाय का इस्तेमाल करने चलते हैं। आ जाओ मेरे साथ, मैं भी आपका हाथ बटाऊंगा। तो एक काम कर, जा अजमत देगड़ी, जा वहां से जाके ना भाईजान की पसंद का केक लेके आ जाना, बोल देना मेरे हिसाब में लिख, सही ना। ले वाले भी देने हैं। अरे कुछ नहीं, आप लोग रिलैक्स हैं जी, सही है, बात कर। देखो चले है, चले है, चले है, चले है, चले है, दुनिया ये मेरी।